हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं आज बहुत मज़ा कर रही हूँ। मैं आई हूँ चौकी धानी बोल के, मिनी राजस्थान इन चेन्नई में। यहाँ पर बहुत ही मज़ा कर सकते हो आप लोग आके। चेन्नई में राजस्थान ये तो सोच ही नहीं सकते हो नहीं, पर यहाँ आने के बाद ना ये सोच भी आप लोगों का पूरा बदलने वाला है। आप लोग आ जाओ यहाँ पर, मैं भी आ चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वेलकमिंग तो बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से है, शहनाई और क्या क्या बजा के हम लोगों का वेलकम किया जा रहा है। चलिए, मज़ा तो आज बहुत ही आने वाला है लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या है अंदर। ये चलिए, पूरे चारों तरफ से दिखाई दे रहा है कि राजस्थान का शिल्प कला कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना न्यारा है। बहुत ही मज़ा लग रहा है देखने को। ये क्या, एक लेडी खड़ी है वेलकम के लिए, तिलक लगाने के लिए। थोड़ा सही लगाना, हेलो बोल दिया इनको। बहुत ही अच्छे से खड़ी है, मतलब सज धज के राजस्थानी स्टाइल में। चलिए अभी चलते हैं अंदर रिसेप्शन की ओर। ये रही रिसेप्शन, पूरे और चकाचक भरा है उन लोगों का राजस्थानी शिल्पकला। और जो दिखाई दे रही है, अरे पगड़ी वगड़ी बांध के, ये रही हमारी गाइड जो हमको गाइड करके अब लेके जाने वाले हैं अंदर चौकी धानी के अंदर दिखाने के लिए। हम लोग अभी बाहर निकल गए हैं रिसेप्शन से, अभी जा रहे हैं एक तालाब की ओर। चारों तरफ तालाब है, बीच में है एक महल जैसा छोटा सा। इसके अंदर से हम लोग निकल रहे हैं बोटिंग करते हुए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। वेदर भी बहुत ही अच्छा था क्योंकि दिसंबर है, ठंडा तो नहीं है और धूप भी ज़्यादा नहीं है। जैसे चेन्नई तो वेदर बहुत ही ख़राब होता है समर सीज़न में, तो दिसंबर मतलब बहुत ही अच्छा होता है इधर उधर घूमने के लिए। चलिए अभी गाइड के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। अरे वाह, कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, मस्त लग रहा है। ये जो साइड में दिखाई पड़ रहा था, ये था जहाँ पर शादी वगैरह होता है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग। यहाँ पर राजस्थानी गांव बना के रखे वो लोग, छोटे छोटे घर, क्यूट सा। ये जा रहे हैं हम लोग अंदर। अरे वाह, कितना मज़ा आ रहा है। अरे वाह, ये भैया जी फोक सॉन्ग गा रहे हैं। चलिए बैठ जाते हैं, साथ में सुनते हैं फोक सॉन्ग का मज़ा लेते हैं बैठ के। बहुत ही खुश हूँ, खुशी अपनी छुपा नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत ही मस्त लग रहा है। वैसे भी राजस्थानी कल्चर मुझे बहुत ही पसंद था, तो इसीलिए ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं अंदर क्या है। घर के अंदर एक लेडी दिखाई पड़ रही है जो गेहूँ पीस रही है, तो हम लोगों को बुला रही थी, तो हमने भी बोला कि हाँ हम भी पीसेंगे। तो हम लोग चले गए अंदर गेहूँ पीसने के लिए, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। चलिए दूसरे घर के अंदर जाके देखते क्या क्या रखा है। वैसे अंदर तो कुछ नहीं रखा है, एक बल्ब दिखाई पड़ रहा है, बस बस मॉडल बना के छोड़ के रखा है और क्या। बहुत ही मस्त है। अरे वाह, पुराना ज़माने की बटर वाला, अरे मक्खन जो निकलता था वही। अरे वाह, बाजरा रोटी बना रही है। हेलो, हमको भी मिल सकता है क्या? अरे
ये तो हमारे पैकेज में ही है कि बाजरा रोटी गुड़ मिलेगा। हाँ, तीन जगह पर खाएंगे। अरे वाह, कितनी पोलाइट है, अच्छे से दिखला रही है, गर्मा गर्म। चलिए खाते हैं, मस्त, बहुत ही टेस्टी है। अरे ये कौन है? अच्छा, मिट्टी के आप यहाँ पर बैठ के ना मिट्टी का कुछ भी बना सकते हो, छोटे छोटे पतीले ये वो। मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं, अभी बनाएंगे कुछ ना कुछ, देखते हैं क्या बनाते हैं। अरे वाह, ये तो मस्त वाला एक्सपीरियंस है, गांव का मिट्टी का खुशबू, कितना मस्त लग रहा है। ये आ गए हम लोग जंगल महल। गांव में तो जंगल रहता है, तो जंगल के अंदर क्या है, एक तालाब जैसा है और क्या है, गुफा है। अच्छा, अरे वाह, गुफा के अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी, भैया जी लेके जा रहे हैं अंदर। अरे अंधकार नहीं, उतना भी अंधकार नहीं है, लाइट जले हुए हैं अंदर, पर गुफा वाला फीलिंग्स तो ज़रूर ही आ रहा है। अरे ये क्या है, मंदिर लग रहा है। अभी चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर, जो वो लोग जो वेलकमिंग के टाइम में जो बजा रहे थे ना, उसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ड्रम या कुछ पता नहीं, ये भी बजा लेते थोड़ा सा मस्त फीलिंग आ रहा था। चलिए अभी राइड का टाइम है, अभी हम लोग कैमल राइड में जाएंगे, और यहाँ पर लिखा है कैमल राइड एट योर ओन रिस्क। नहीं, ये लोग हेल्प करेंगे।